नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति पांडे, शिक्षा विभाग रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से आपके समक्ष स्टूडियो में उपस्थित हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा डीएलएड पाठ्यक्रम का कोड संख्या 506, जिसमें प्रकरण है सृजनात्मकता, संप्रत्यय, प्रकृति एवं कारक। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिक्षा एवं सहबद्ध विज्ञान संकाय रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैडम, स्टूडियो में आपका स्वागत है। चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं मैडम से जानना चाहूँगी कि सृजनात्मकता क्या होती है। देखिए ज्योति जी, किसी भी समाज, किसी भी देश की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिकों द्वारा कितनी नई खोजें, कितने नए आविष्कार किसी भी क्षेत्र में कैसे किए गए हैं। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान में, तकनीकी में जितने भी नए आविष्कार होते हैं वो किसी समाज की उन्नति को बढ़ाते हैं, रहन सहन में उन्नति लाते हैं। इन सब आविष्कारों के पीछे, इन सब नवीनता के पीछे मनुष्य की जिस क्षमता का हाथ होता है, जिसका योगदान होता है, उस क्षमता को कहते हैं सृजनात्मकता। अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो सृजनात्मकता शब्द बना है सृजन से, सृजन करने की योग्यता। सृजन का मतलब निर्माण, अनोखे का निर्माण, मौलिकता, कोई भी रचना, निर्मिति, ये होता है सृजन। किसी भी चीज़ का सृजन हो सकता है, कोई विचार नया हो सकता है, मौलिक हो सकता है, जैसे गांधी जी का विचार अहिंसा का, नवीन मौलिक विचार सृजनात्मकता। कोई आविष्कार नया हो सकता है, जितने भी हम नए इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी गैजेट्स देखते हैं वो कभी न कभी जब पहली बार आए थे तब सृजनात्मकता के उत्पाद थे वो। किसी भी पुराने की पुनर्संरचना सृजनात्मकता का प्रतीक हो सकती है, उसका सृजन हो सकता है। जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं लेकिन उन्हीं की पुनर्संरचना से नई नई धुनों का निर्माण होता है, तो वो सृजनात्मकता, वो भी सृजन है, वो भी मौलिकता है। या किसी नए तथ्य की खोज करना भी सृजनात्मकता है, किसी भी नवीन तथ्य की खोज, उसको भी सृजनात्मकता हम कह सकते हैं। तो सृजन किसी भी नई चीज़ का सृजन या पुरानी चीज़ की पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, वो सब सृजनात्मकता में आती है। आइए अब कुछ परिभाषाओं के माध्यम से इस प्रत्यय को स्पष्ट करने का प्रयास करें। एक परिभाषा सृजनात्मकता की दी गई है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। वो कहते हैं सृजनात्मकता अनिवार्य रूप से नवीन रचना या उत्पादन में पाई जाती है। इस परिभाषा में जो मुख्य बात है, अनिवार्य बात है, वो है नवीनता, मौलिकता। मौलिकता अर्थात जो पहले किसी ने न की हो, नवीनता जिससे अधिकतर लोग परिचित न हों, ऐसी कोई रचना, ऐसा कोई उत्पादन, ऐसा कोई विचार, उसको कहते हैं सृजनात्मकता। एक और परिभाषा है गिलफर्ड की। गिलफर्ड कहते हैं सृजनात्मकता का अभिप्राय कभी सृजनात्मक क्षमता, कभी सृजनात्मक उत्पाद तथा कभी सृजनात्मक उत्पादकता माना जाता है। अर्थात सृजनात्मकता को हम सोचने का तरीका भी मान सकते हैं, सृजनात्मकता को हम मनुष्य की क्षमता भी मान सकते हैं, सृजनात्मकता को हम मौलिक उत्पाद भी मान सकते हैं, और सृजनात्मकता को कभी हम व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताएं भी मान सकते हैं। तो इस तरह सृजनात्मकता का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। प्रक्रिया का सृजनात्मक होना अर्थात ऐसी मानसिक प्रक्रिया, सोचने का ऐसा तरीका, चिंतन का ऐसा तरीका, जब हम उस तरीके से चिंतन कर रहे होते हैं उस चिंतन की प्रक्रिया को हम सृजनात्मक कहते हैं। कभी इस चिंतन के फलस्वरूप जो उत्पाद उत्पन्न होता है उसको सृजनात्मक मान लिया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में कैसे लस्सी बनाई जा सकती है, ये एक नया तरीका, नया विचार, ये सृजनात्मक है। जब रेडियो का आविष्कार हुआ था, रेडियो उत्पाद था सृजनात्मकता का। जब मोबाइल का आविष्कार हुआ, नवीन उत्पाद है, सृजनात्मकता है।
एक और संदर्भ में सृजनात्मकता को हम लेते हैं, व्यक्ति की विशेषताएं, व्यक्ति के सोचने का तरीका, कैसे वो संवेदनशील है, कैसे वो मौलिक है, कैसे वो प्रवाहपूर्ण है, जो उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं उनके आधार पर व्यक्ति सृजनात्मक होता है। कभी मौलिकता को व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाता है, अर्थात जो व्यक्ति सोचने वाला है उसके लिए वो विचार अगर नया है तो उसको सृजनात्मक मान लिया जाएगा। लेकिन कई बार व्यक्ति के नज़रिए से नवीनता को महत्व नहीं दिया जाता, जो नवीनता समाज के नज़रिए से हो, यानी जो समाज के अधिकांश लोग जिसे नवीन माने, जिसे मौलिक माने, हम उसे ही सृजनात्मक मानेंगे। कई बार केवल नवीनता को ही सृजनात्मक माना जाता है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि प्रत्येक नवीनता को हम सृजनात्मक, प्रत्येक मौलिकता को सृजनात्मक नहीं मानेंगे, बल्कि वो नवीनता, वो मौलिकता, वो सृजन जो समाज के लिए उपयोगी हो, केवल उसको ही सृजनात्मक माना जाएगा। तो इस तरह हम सृजनात्मकता का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में करते हैं, अलग अलग अर्थों में करते हैं। सृजनात्मकता की के अर्थ के पश्चात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सृजनात्मकता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जी, जितने हम लोगों ने अब तक अर्थ पर चर्चा की, परिभाषाओं पर चर्चा की, उसके आधार पर कुछ प्रमुख बातें हैं जो सृजनात्मकता में या सृजनात्मकता की विशेषताएं या उसकी प्रकृति के बारे में सामान्य रूप से कही जा सकती हैं। सबसे पहली बात, सृजनात्मकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है, वो चाहे किसी देश का हो, किसी समाज का हो, किसी स्थान का हो, किसी काल का हो, किसी जाति का, किसी लिंग का, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य विद्यमान रहती है। दूसरी बात, विद्यमान सृजनात्मकता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, कार्य के किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मकता के दर्शन हो सकते हैं, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, तकनीकी में, ललित कलाओं में, चिकित्सा में, शिक्षण व्यवसाय में, राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में नवीनता या मौलिकता हो सकती है। तो सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो सकती है। अगली बात सृजनात्मकता के बारे में जो कह सकते हैं, यह एक जन्मजात योग्यता है, यानी लोगों में भिन्नता होती है सृजनात्मकता की मात्रा के आधार पर और उनके क्षेत्र के आधार पर, अलग अलग लोगों में अलग अलग सृजनात्मकता होती है, लेकिन ये सृजनात्मकता जन्मजात होती है, जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्ट है। परंतु ये गॉड गिफ्ट है, लेकिन इसका विकास, इसका पोषण वातावरण पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य ये, अगर उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो जन्मजात योग्यता या गॉड गिफ्ट सुप्तावस्था में रह करके समाप्त हो सकती है, उसका प्रयोग समाज के उत्थान के लिए नहीं हो सकता। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम सृजनात्मकता, जो जन्मजात योग्यता है, उसको उचित वातावरण दे करके पोषित और विकसित करने का अवश्य प्रयास करें। अगली बात, जो अनिवार्य तत्व है सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीनता, कोई नया विचार, मौलिकता, अनोखा विचार, वो चाहे किसी समस्या का नया हल खोजने में नवीनता या मौलिकता हो, जो आमतौर पर लोगों को समस्या का हल दिखाई नहीं देता, लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति एक मौलिक हल प्रस्तुत करता है, वो भी सृजनात्मकता है। कोई नया विचार सृजनात्मक हो सकता है, कोई नई वस्तु सृजनात्मक हो सकती है, और या कोई नया तथ्य सृजनात्मक हो सकता है। सो नवीनता किसी भी चीज़ में हो सकती है, तथ्य में, विचार में, सोचने के तरीके में, उत्पादन में, समस्या का हल खोजने में। मौलिकता और नवीनता अनिवार्य तत्व हैं सृजनात्मकता के। इसके अतिरिक्त कुछ और विशेषताएं सृजनात्मकता में भी होती हैं। आमतौर पर हम बुद्धि और सृजनात्मकता को एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि दोनों गॉड गिफ्ट हैं, हालांकि दोनों जन्मजात होती हैं, हालांकि दोनों प्रतिभाशाली होने का प्रतीक हैं, लेकिन दोनों में बहुत भिन्नता है। अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक भी होगा, लेकिन अगर वो सृजनात्मक है तो उसमें थोड़ी सी उच्च स्तर की बुद्धि अवश्य विद्यमान होगी। ऐसा इसलिए, बुद्धिमान होने के लिए किसी समस्या का सर्वोत्तम हल खोजा जाता है, लेकिन सृजनात्मक होने के लिए किसी भी समस्या के विभिन्न हल खोजे जाते हैं। बुद्धिमान होने के लिए जो सर्वमान्य हल है, जो सर्वमान्य तरीका है, उसकी खोज की जाती है। सृजनात्मक होने के लिए अनोखेपन की खोज की जाती है। तो ये दोनों योग्यताएं
चिंतन की अलग अलग प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं, इसलिए दोनों अलग अलग योग्यताएं हैं। हम बुद्धिमान हो सकते हैं, सृजनात्मक नहीं। सृजनात्मकता बुद्धिमानी से थोड़ा सा रेयर है, थोड़ा कम पाई जाती है। बुद्धिमानी आमतौर पर दिखाई दे जाती है, सृजनात्मकता इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, उसकी पहचान इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। ये दोनों में भिन्नता है। इसी प्रकार से जो विद्यालयों में जिसको हम उपलब्धि कहते हैं, बच्चों के अंक, सफलता, जो भी कहें, उनसे भी सृजनात्मकता भिन्न है। हम कई बार ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कह देते हैं, हमारी कक्षा का जो प्रथम आने वाला छात्र है, हम ऐसा मान लेते हैं कि यही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, यही सबसे ज़्यादा सृजनात्मक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उपलब्धि उस छात्र की ज़्यादा होती है जो जो भी उसको सिखाया गया वो उसको हूबहू प्रस्तुत कर दे, याद करके, वो उपलब्धि में ज़्यादा माना जाएगा। लेकिन सृजनात्मक छात्र नवीनता वाला छात्र है, जो उसको सिखाया गया उससे आगे बढ़कर अनोखेपन से जो उत्तर दे रहा है, जिसमें हम अंक शायद न दे पाए उसको, क्योंकि हम लोग आदि होते हैं उस विषय वस्तु पर अंक देने के, उस उत्तर पर अंक देने के, जैसा हमने पढ़ाया वैसा ही छात्र अगर उत्तर लिख रहा है तब हम उसको अंक देते हैं। लेकिन ये सृजनात्मकता नहीं होती है। सृजनात्मकता तो अनोखापन, मौलिकता, नवीनता होती है। इसलिए उपलब्धि से भिन्नता है। एक खास बात सृजनात्मकता में और पाई जाती है, क्योंकि सृजनात्मकता एक दुस्साहसिक सोच है, समाज के नियमों से आगे हटकर, उससे परे जाकर, अनोखा, जो सभी लोग जिस लकीर पर चलते हैं उस तरह से नहीं सोचना, सबसे भिन्न सोचना। तब कई बार ऐसा व्यक्ति समाज से दूर हो जाता है, क्योंकि वो समाज के नियमों का पालन नहीं करता, समाज के नियमों की सोच के हिसाब से नहीं सोचता, वो अपनी अलग सोच रखता है। तब कई बार वो सामाजिकता से इस कारण से दूर भी हो जाता है। और जो एक खास बात सृजनात्मकता में है, सृजनात्मकता तब होती है जब व्यक्ति लगन से, धुन से किसी काम में लग जाता है, क्योंकि उसे नया खोजना है, मौलिक खोजना है। जितने भी नए आविष्कार हैं उनके पीछे उसके आविष्कारक की लगन का पक्का होना, तल्लीन होना अनिवार्य रूप से पाया जाता है। उसके पहले सृजनात्मकता नहीं होती है। और जब वो तल्लीनता होती है तब सृजनात्मकता के उत्पादन के पश्चात सुख और संतुष्टि का जो अनुभव उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वो सृजनात्मकता की खास विशेषता है। सृजनात्मक व्यक्ति धुन का पक्का और सुख और संतुष्टि अनुभव करने वाला होता है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं सृजनात्मकता में पाई जाती हैं। जी रश्मि जी, अब थोड़ा हमें ये बताइए कि सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन कौन से कारक अपना योगदान देते हैं। जी देखिए, सृजनात्मकता क्योंकि व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, व्यक्तित्व की एक विशेषता, एक क्षमता है, और क्योंकि व्यक्तित्व बहुत सारे तत्वों के आपसी तालमेल से मिलकर के बनता है, इसलिए व्यक्तित्व के कई सारे कारक हैं जो सृजनात्मकता में अपना योगदान देते हैं। या यूं कहें कि अगर व्यक्तित्व में वो कारक पाए जाएंगे तो वह व्यक्ति के सृजनात्मक होने की संभावना प्रबल हो जाती है। जैसे ये कारक हैं, सबसे पहली बात, अगर व्यक्ति में संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता से तात्पर्य किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिदृश्य को विस्तृत रूप में देखना, विहंगमता से देखना, विस्तारपूर्वक देखना, ये संवेदनशीलता है। और इसके भी आगे सोचना, यानी जो है उसको पूर्ण रूप से देखना, उसके बारे में चिंतित होना, उसके बारे में संवेदनशील होना, प्लस जो है के बाद जो क्या और हो सकता है। अगर परिदृश्य यह है कि समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो संवेदनशील उनके संदर्भ में होना, और इन घटनाओं का क्या आगे दुष्परिणाम होगा या इन्हें कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में सोचना, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये गुण पाया जाएगा उसके सृजनात्मक होने के प्रबल संभावनाएं होती हैं। दूसरी चीज़ जो कारक है वो है नवीनता। जो व्यक्ति नवीनता पसंद करता है, प्रत्येक काम को अलग अलग तरीके से करना चाहता है, दूसरे उसके सामने अलग अलग तरीके से काम को लाते हैं, करते हैं, नई नई चीज़ें पसंद करता है, एक ही प्रकार का खाना, एक ही प्रकार के वस्त्र, एक ही प्रकार का घूमना, एक ही प्रकार की क्रियाविधि, ऐसा नहीं करता, हर क्षण उसे नवीन चाहिए। अगर व्यक्तित्व में ये कारक है नवीनता, तो ऐसा व्यक्ति सृजनात्मक हो सकता है। नवीनता के साथ साथ
मौलिकता, ओरिजिनेलिटी जिसे कहते हैं, अगर व्यक्ति प्रत्येक काम को लीक से हटकर करता है, अपने अनोखे तरीके से करता है, जैसे सब समस्या को सोचते हैं वो उसके इतर सोचता है, वो उसे अलग सोचता है। अगर सब पूरब को जाएंगे तो हम पश्चिम में जाकर के देखेंगे कि क्या होगा, अनोखापन। अगर सब पेन का प्रयोग लिखने के लिए कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि पेन से और क्या क्या किया जा सकता है, अनोखापन। तो ये जिसके व्यक्तित्व में मौलिकता होगी, विचारों में, चीज़ों के निर्माण में, सोचने के तरीके में, समस्या के समाधान के हल खोजने में, वो व्यक्ति सृजनात्मक हो सकता है। एक और विशेष बात, विशेष कारक है व्यक्तित्व में, प्रवाह। प्रवाह से तात्पर्य होता है अपने विचारों को, प्रवाह के पहले अगर हम धारा प्रवाह शब्द लगा लें तो शब्द और ज़्यादा स्पष्ट होने की संभावना है। धारा प्रवाह का अर्थ, जैसे एक धारा निरंतर बहती है वैसे ही, धारा के प्रवाह की तरह विचार मस्तिष्क में धारा के प्रवाह की तरह से आए, तेजी से, बहुत तेजी से विचार करता है, प्रवाहपूर्ण ढंग से। न केवल विचार करता है बल्कि बोलता भी है, प्रस्तुत भी करता है। भाषा में प्रवाह है, विचारिक प्रवाह है, भाषा में प्रवाह है, शब्द में प्रवाह है। एक एक शब्द के बहुत बहुत सारे पर्यायवाची सोचता है, एक एक वस्तु के बहुत सारे उपयोग सोच लेता है एक ही बार में, इसको कहते हैं प्रवाह। तो जिस व्यक्ति के विचारों में प्रवाह, जिस व्यक्ति के वक्तव्य में प्रवाह होता है, वो व्यक्ति सृजनात्मक होने की संभावना उसमें होती है। सो प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। अगला कारक है नमनीयता, लोचनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी। सृजनात्मक व्यक्ति कभी भी रिजिड नहीं हो सकता, दृढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि सृजनात्मकता के लिए विभिन्न दिशाओं में अपने विचारों को फैलाने की आवश्यकता होती है। अगर हम एक ही बात पर दृढ़ होकर के बैठ जाएंगे तब हम सृजनात्मक नहीं हो सकते। हमें केवल अपने ही विचार को महत्व नहीं देना है, हम दूसरे के विचार को भी महत्व देते हैं, ये कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम सोचते हैं तो हम अपनी बुद्धि को विभिन्न दिशाओं में दौड़ाते हैं, इसे कहते हैं नमनीयता, लोचनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी। हम केवल एक ही दिशा में नहीं सोचे, समस्या के प्रवाह एक दिशा में हो सकता है, लेकिन नमनीयता का मतलब प्रवाह के साथ साथ दिशाएं भी भिन्न भिन्न हों, एक ही दिशा में सोच ना जाए, सोच बहुत ज़्यादा भी हो, विचार बहुत तेजी से भी आए, लेकिन विचार विभिन्न दिशाओं में भी आए, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, बहुत कुछ सही हो सकता है, उसको हम कहते हैं नमनीयता। तो विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी होना सृजनात्मकता का एक और कारक है। अगले कारक है विस्तारता, एलाबोरेशन जिसे कहते हैं। किसी भी घटना को, किसी भी विचार को, उसको विस्तार देने की क्षमता सृजनात्मकता में योगदान देती है। जब ये अगर एक तरीके से देखें तो कई सारे ये कारक आपस में मिले हुए हैं, मौलिकता, प्रवाह, नमनीयता और विस्तारता, ये सब मिले जुले से हैं। अनोखापन हो, अनोखापन तब होगा जब विचारों में प्रवाह होगा। विचारों में प्रवाह का महत्व तब है जब वो प्रवाह विभिन्न दिशाओं में हो, नमनीयता भी हो, और इन दोनों चीज़ों का महत्व तब है जब किसी विचार को आगे विस्तारपूर्वक बढ़ाने की क्षमता हो। किसी घटना का वर्णन विस्तारपूर्वक कर सकता है वो व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में विस्तारपूर्वक बता सकता है। तो जो विस्तार कर सकता है वही सृजनात्मक हो सकता है। जब तक हम किसी भी फिनोमिना को, किसी भी घटना को, किसी भी विचार को विस्तृत रूप में नहीं देखेंगे, उसके बारे में गहनता से नहीं देखेंगे, तब तक हम सृजनात्मक नहीं हो सकते हैं। तो विस्तारता एक अन्य कारक है सृजनात्मकता होने का। कुछ व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं हैं जो सृजनात्मकता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जैसे स्वनिर्णय। सृजनात्मक व्यक्ति अपने निर्णय पर अडिग नहीं कह सकते उसे, अपना निर्णय लेने में सक्षम होता है, उसके निर्णय दूसरे व्यक्ति नहीं लेते उसमें, क्योंकि आत्मसंप्रत्यय उसका उच्च होता है, क्योंकि आत्मविश्वास उसमें उच्च श्रेणी का होता है, इसलिए वो अपने निर्णय लेने में सक्षम होता है। वो किसी भी घटना पर जब विचार करता है प्रभावपूर्ण ढंग से, नमनीयता के रूप में, विस्तारपूर्वक ढंग से, तब वो निर्णय भी लेने में योग, उसका कुशलता उसमें होती है, निर्णय लेने में सक्षम होता है। वो समस्याओं के हल स्वयं खोजता है, अपने बारे में निर्णय स्वयं लेता है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये भी एक कारक है सृजनात्मकता का। और एक अन्य कारक है पुनर्परिभाषीकरण, चीज़ों को, घटनाओं को नए परिप्रेक्ष्य में देखना।
विचारों को नए परिप्रेक्ष्य में देखना, जो सर्वमान्य तरीके हैं, जो सर्वमान्य हल हैं समस्याओं के, उनसे हटकर नए तरीके से पुनः उनकी परिभाषा करना कि यह वस्तु इस प्रकार से होनी चाहिए, इस घटना को इस तरीके से देखा जा सकता है, ये पुनः इसकी परिभाषा करना, पुनः विचारों में अपने मंथन करके नए तरीके से खोजना, किसी भी घटना को अपने ढंग से परिभाषित करना, ये भी सृजनात्मकता का एक प्रमुख तत्व है। तो अगर इन सब बातों को मिला जुला कर देखा जाए तो सृजनात्मकता अगर निर्णय के रूप में या संक्षेप में या हम कहें तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है नवीनता, मौलिकता से परिपूर्ण सृजन, और ये सृजन किसी भी चीज़ में हो सकता है। इस सृजन को करने के योग्य वही व्यक्ति होते हैं जिनके व्यक्तित्व में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, नमनीयता, प्रवाह, विचार पूर्वक निर्णय लेना, विस्तार करना, और ये सब चीज़ें सृजनात्मकता को इस मामले में विशेष बनाती हैं कि हमें बालक के जो मुख्य बात है वो ये कि ये सब गुण विकसित किए जाना हमारा दायित्व है। हम अपने बालकों का, अपने छात्रों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा इस प्रकार से करें कि उनमें सृजनात्मकता के ये कारक, ये गुण विकसित हो सकें, और सबसे मुख्य बात हम ये मान करके चलें कि हमारे प्रत्येक छात्र में सृजनात्मकता कुछ ना कुछ मात्रा में विद्यमान अवश्य है, आवश्यकता है उसकी क्षमता को पहचानने की और उसे पोषित करने की। ये हमारा दायित्व है एक शिक्षक के नाते और अभिभावक के नाते कि हम अपने बालकों, अपने छात्रों में सृजनात्मकता को पहचानें और उसको विकास विकसित करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद रश्मि जी। आज हमने जाना कि सृजनात्मकता के कौन कौन से मुख्य कारक हैं जिनका विकास करके हम बालकों को सृजनशील बना सकते हैं। आवश्यकता इस बात की कि उन्हें इस परिप्रेक्ष्य में हम उचित वातावरण प्रदान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आज चर्चा का विषय यहीं पर समाप्त करते हुए मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे स्टूडियो में आई तथा पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।